शम शनैश्चराय नमः। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। शनि देव को कर्म फलदाता माना जाता है, जो लोगों को उनके अच्छे बुरे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की उन्नति करता है। वहीं अगर शनि से पीड़ित है तो व्यक्ति को अपने जीवन में तमाम कष्टों का, तमाम दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि देव की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत बहुत ही जरूरी बताया गया है। ये व्रत करने से सारे दुख, संकट और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। घरों में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी शनिवार का व्रत कर रहे हैं तो शनिवार व्रत कथा आपको जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शनिवार व्रत की कथा शेयर करने जा रही हूँ। तो आप भी इस कथा का शनि देव की कृपा के लिए शनिवार के शनिवार जरूर श्रवण करें। शनिवार व्रत कथा। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर नवग्रहों में वाद विवाद हो गया। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुन इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वीलोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करे। जिसका आसन सबसे पहले होगा वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनिदेव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के एक व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ विक्रमादित्य के नगर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए वो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को एक दूर जंगल में ले गया और वहां जाकर राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा। उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा विक्रमादित्य को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उनसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिए। नगर पहुंचकर जब राजा एक सेज की दुकान पर बैठ गए, राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेज की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का हार एक खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते खूंटी सोने के उस हार को निकल गई।
सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद उन्हें एक तीली उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हांकता रहता। इस तरह तीली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7:30 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वह हैरान हो गए। उन्होंने बहुत समझाया पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगी। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कहा, राजन मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा की हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव की प्रकोप की सारी कथा सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया, उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय वहां आश्चर्यजनक घटना एक बार फिर घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने मात्र से शनिदेव की अनुकंपा बनी रहती है और जातक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो शनिवार व्रत कथा इस प्रकार संपन्न होती है। अगर आप भी शनिवार का व्रत करते हैं और अगर नहीं भी करते हैं तो शनिवार के शनिवार शनिदेव से कृपा प्राप्त करने के लिए इस कथा का श्रवण जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको व्रत त्योहारों, उन पर किए जाने वाले उपाय, पूजा विधि और कथाएं सब कुछ प्राप्त होती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जय शनिदेव महाराज।